मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज़ आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सुबह सवेरा हरेक भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभिवादन करते हैं। गॉड हैज एडेड वन मोर वीक इन आवर लाइफ एंड दिस वीक इज गोइंग टू बी सो ऑसम, सो वंडरफुल। एक और सप्ताह परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। जरूर ये सप्ताह हरेक के लिए एक आशीष का कारण होगा। गॉड इज आवर फादर, ही विल श्योरली टेक केयर ऑफ अस एंड श्योरली ही विल ब्लेस योर फैमिली। परमेश्वर हमारा पिता है और वो जरूर आपका ख्याल करता है, आपको लेगा और आपके परिवार का हरेक जरूरतों को पूरा करेगा। पीपल कम टू मी विथ मेनी प्रेयर रिक्वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट। लोग मेरे पास आते हैं विभिन्न प्रार्थना विषयों के साथ मेरे करीब। पास्टर प्लीज प्रे फॉर माई चिल्ड्रेन, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, दे आर गोइंग इन द रॉन्ग वे। पास्टर जी, हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो अपने मार्गों में जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। पेरेंट्स आर रियली कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन। माता पिता बहुत ही ख्याल करते हैं या उनकी बच्चों की ओर बहुत ही ख्याल है। व्हेन दे वर वेरी स्मॉल दे लव्ड देयर पेरेंट्स वेरी मच, बट टुडे एज दे वर ग्रोइंग यू नो दे वर गोइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स एंड दे आर गोइंग इन द रॉन्ग वेज। और जब ये बच्चे छोटे थे तो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते थे, जैसे वो बढ़ रहे हैं वो उनसे प्रेम करना या उससे दूर हो रहे हैं और अपने माता पिता से भी वो दूर हो रहे हैं। Some parents are really concerned about their children. कुछ ऐसे माता पिता हैं जो बहुत ही चिंतित हैं अपने बच्चों के बारे में। The same way some ladies, some mothers are concerned about their husbands. कुछ ऐसे बहन लोग हैं जो अपने पति के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। They come with this prayer request, Pastor, please pray for my husband. He is drinking and he is doing all kinds of evil things. Pray for my husband. और वो आते हैं, कहते हैं मेरे पति के लिए आप प्रार्थना करें, वो शराब पीता है और कई ऐसे बुराइयों को करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। And I know some guys, they call us and they say, Pastor, please pray for my wife. और कुछ ऐसे भाई भी हैं जो हमें बुलाकर इस प्रकार फोन के द्वारा बताते हैं कि मेरे पत्नी के लिए आप प्रार्थना करें। She is not taking care of children. She is not listening to me. वो बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, मेरे बातों को नहीं मानते हैं। And some husband says, you know, my wife left us alone and she ran away from this house. और कुछ भाई इस प्रकार कहते हैं, मेरी पत्नी हमें छोड़कर चली गई और हमसे दूर हो गई है। People face a different types of problems in their life. लोग विभिन्न तरह के समस्याओं का सामना करते हैं प्रतिदिन। Some people they call us and say, Pastor, please pray. We are having this kind of sickness in our body, in our life. और कुछ लोग फोन करके इस प्रकार कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, इस प्रकार की बीमारियां हमारे परिवार में हैं। Pray for my mother, pray for my father. He is in ICU, he is in the hospital. Please pray for us. मेरे माता के लिए प्रार्थना करें, मेरे पिता के लिए प्रार्थना करें, वो ICU में हैं, अस्पताल में हैं, इस प्रकार के प्रार्थना विषय। Some people they called us and said, Pastor, please pray for our financial problem. कुछ लोग फोन करके इस प्रकार बताते हैं, पासबान जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्या है। We have loans and we do not know how to pay that loan. हमको लोन है, हम कैसे उसको कर्ज को चुकाएंगे ये हमें नहीं मालूम। Now we are only paying the interest. We really do not know when we are going to finish this loan. और हम अभी केवल ब्याज को भर रहे हैं मगर कब उसे पूरा भर पाएंगे हमें नहीं मालूम। So people, they have different types of problems in their life. लोगों के जीवन में विभिन्न तरह के समस्याओं उनके जीवन को पूरा भर चुका है। If you go through the Bible, you can understand how the problem comes into our life. अगर आप परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में जाते हैं तो देख सकते हैं कैसे समस्याएं लोगों के जीवन में शुरुआत होती है। You know, it is all because of sin. ये सभी का मूल सूत्र हम देखते हैं वो पाप। In the beginning, God created
ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड ही क्रिएटेड एडम एंड ईव आल्सो। उससे पहले परमेश्वर ने एक अच्छे जगत को नो बनाया गया और वहां पर हम देखते हैं आदम की वाटिका जहां पर आदम और हव्वा थी। एंड गॉड टोल्ड एडम एंड ईव नॉट टू ईट अ फ्रूट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्री। और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा कि इस विशेष पेड़ से या उसके फल को ना खाना। बट दे डिसोबेड गॉड। मगर वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। गॉड गेव देम ओनली वन कमांडमेंट। परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी। इन दैट गार्डन दे हैड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज एंड दे हैड यू नो मिलियंस ऑफ फ्रूट्स। और उस बगीचे में हजारों ऐसे पेड़ थे और फल थे। बट दे डिसोबेड गॉड, दे हेट गॉड एंड दे एट फॉरबिडन फ्रूट। और हम देखते हैं वो परमेश्वर से दूर होकर या फिर उसका उल्लंघन करते हुए जो ना खाना था उसके फल को वो खाए। Because of disobedience, उस आज्ञा ना पालन करने के द्वारा the sin entered into this world, और पाप जगत में प्रवेश करता है। Because of first man Adam, the sin entered into this world, उस आदम जो पहला मनुष्य उसके द्वारा पाप इस जगत में प्रवेश किया। एंड देन द बाइबल सेज ऑल हैव सिंड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है सभी ने पाप किए और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। सिंस वी आर द डिसेंडेंट ऑफ एडम थ्रू एडम वी ऑल बिकेम सिनर। जिस प्रकार हम सभी उस आदम के नो जो वंशावली के हैं नो पाप हम में प्रवेश किया। If you go to Romans chapter 3 verse 10 to 12, the word of the Lord says, जब आप रोमियों के पत्री उसका तीसरा अध्याय 10 से लेकर 12 तक जाते हैं, No one is righteous, no not one. और वहां पर कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। And no one understands, और कोई समझदार नहीं। And no one seeks for God, और कोई भी परमेश्वर को खोजता नहीं। No one does good, not even one, और कोई भी एक भलाई के काम को नहीं करता, एक भी नहीं। Together, they have become worthless, और सबके सब निकम्मे हो गए हैं। They all became worthless because of sin, और सब निकम्मे बन चुके हैं क्योंकि उस पाप के कारण। Listen to the word of God. The Bible says their throats are open grave. परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन कहता है उनका गला खुली हुई कब्र है। Their tongues practice deceit, और अपने जीभ से छल की ही बात करते हैं। Their mouths are full of cursing and bitterness, और उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरे हुए हैं। Their feet are swift to shed blood, और उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। There is no fear of God before their eyes, और उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। This is the real exact condition of people today, और यही एक सही बात को हम देखते हैं मनुष्यों के जीवन में आज के युग में। Even some of your family members are exactly living according to this. आप लोगों के परिवार में से कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं। There is no fear of God. उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। And they are doing all kinds of evil, wicked, immoral things. और अनैतिक और हरेक बुराइयों को वो करते हैं अपने जीवन में। They are going away from God. वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। And instead of, you know, blessing, they are becoming burden to family. आशीष के बदले में परिवार के लिए एक बोझ बन चुके हैं वो लोग। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I want you to understand the power of sin. आप समझें उस पाप की शक्ति को। Many times I've seen people, they play with sin. और मैंने देखा है कई बार लोग खेलते हैं पाप के साथ। And they think that they can play with sin and then they can come out. और वो सोचते हैं कि हम पाप में खेल के उस खेल में से हम बाहर आ सकते हैं। My dear brothers and sisters, sin is powerful. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समझें पाप में बहुत ही शक्ति है। And it will put you in slavery. और वो आपको उस दासवत की अवस्था में ले आएगी। That sin will separate you from God. और वो पाप परमेश्वर से आपको दूर करेगा। And finally it will take you to darkness. और आखिरकार उस अंधकार की ओर वो आपको ले जाएगा। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I want you to understand the power of God also in your life. अब मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के उस सामर्थ को पहचानने पाए। Sin is powerful. पाप
शक्ति से भरा है। बट मोर देन दैट गॉड इज ऑल पावरफुल। मगर उससे भी बढ़कर है परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान। थ्रू हिम यू कैन बिकम righteous in Jesus Christ. उस परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी गिने जा सकते हैं। And the Bible says in verse 22, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. अब 22वां आयत इस प्रकार कहती है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिल सकती है। 2000 years ago, Jesus Christ came into this world and he died on the cross of Calvary. 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में आए और पापों के लिए उस कालवरी क्रूस पर मारा गया। He is the righteousness of God. और वही है परमेश्वर की धार्मिकता। When Jesus Christ came into this world, जब यीशु मसीह इस जगत में आया, He lived in this world for around 33 and of years. वो इस जगत में रहा कम से कम 33.5 साल तक। The Bible says He did not commit any sin. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पाप नहीं किया एक भी। He was surrounded by people. उनके चारों ओर लोग थे। All the religious leaders, they were just moving around him to find fault. और कई ऐसे धार्मिक अगवे उनके चारों ओर थे ताकि कोई भी ऐसे गलती यीशु मसीह से खोज निकाले। But they were not able to find a fault in Jesus. मगर वो कोई भी कामयाब नहीं हुए एक भी गलती यीशु मसीह से निकालने में। They brought lot of false allegations, but they did not stand. कई लोग इस प्रकार झूठे अपवाद किए गए मगर उसमें वो सफल नहीं हुए। Jesus Christ lived a holy life. यीशु मसीह एक पवित्र जीवन व्यतीत किया। Because he is the righteousness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। He did not commit any sin. उसने कोई पाप ना किया। But Roman soldiers, they arrested him and they crucified him on the cross. लेकिन रोमी सेना उनको पकड़ती है और उस क्रूस पर उनको टांगा गया। Why Jesus Christ died on the cross? क्यों यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया? He did not die for himself. वो अपने लिए नहीं मरा मेरे प्रियों। He did not die for his sin. वो अपने पाप के लिए नहीं मरा। Prophet Isaiah says, Jesus Christ died for the whole world. यशया नबी इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह मरा सारे जगत के लिए। To forgive your sins. तो तेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए। To set you free from sin. उस पाप से आजाद दिलाने के लिए किया। To take you to righteousness. उस धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए। He died on the cross of Calvary. उसने कालवरी के उस क्रूस पर मरा। He died on the cross of Calvary and he brought salvation to all of us. उस कालवरी क्रूस पर वो मारा गया और उसके द्वारा हम देखते हैं पूरी आजादी लोगों के जीवन में ले आया गया। He died on the cross of Calvary and brought salvation to everyone who lives in this world. और उस कालवरी क्रूस पर मरकर उस उद्धार को ले आया जो कोई इस जगत में रहते हैं। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, I want you to believe Jesus. मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें यीशु को। I want you to put your faith on Jesus. मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें उस विश्वास को यीशु पर डालें। Because the Bible says the righteousness is given through faith in Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता के द्वारा जो धार्मिकता दिया गया है आपको वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। When you come to him, जब आप उसके पास आते हैं, and confess your sin, और जब अपने पापों को अंगीकार करते हैं, the Bible says he is faithful to forgive you. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य है आपको क्षमा करने के लिए, and to cleanse you from all unrighteousness. और हरेक अधर्मों से शुद्ध करने के लिए वो तैयार हैं। One particular day, one man was going through tough time in his life. एक विशेष दिन में एक व्यक्ति बहुत ही कठिन परिस्थिति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। And he had lot of bad habits and he wanted to come out of that bad habits. और कई ऐसे बुराइयां उनके जीवन में या उस प्रकार की आदतें थी और उसमें से वो बाहर निकलना चाहता था। So he gave his life to Jesus and God cleansed him and delivered him from all sins. और इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित किया और उस पाप में से वो बाहर आ चुका। One particular day, एक विशेष दिन में, he knows the accuser came to him and asked him, "Do you think you are a holy person?
यू एक्ट एज अ होली पर्सन बट यू आर अ सिनर। और दोषी करने वाला एक व्यक्ति आकर उससे इस प्रकार कहने लगा, तू अपने आप को पवित्र या उस प्रकार धर्मी ठहरता है मगर तू एक पापी है। Satan came to him and said, don't think you are righteous man, you are a sinner। शैतान आकर कहने लगा, तू एक धर्मी नहीं मगर एक पापी है तू। And this man asked him, what sin I committed? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने किस प्रकार के पाप को किया है। So Satan went and brought a big file and showed to him। और शैतान जाकर एक बड़े फाइल को ले आता है और उसे दिखाया। And this guy got the file and he was going through all the file, but literally whatever he did was mentioned there। और उस फाइल को लेकर एक एक पन्ने को पलटने लगा और उसने देखा जो कुछ उसने किया था वो सभी बातें वहां पर बताई गई। Then he looked at Satan and told him, just go and find out, is there any other sin that I have committed in my life? और वो शैतान से इस प्रकार कहने लगा, आप जाकर देखें क्या और कोई पाप मैंने किया है, उसको क्या खोज सकते हैं आप? Satan said, no, 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 all the things that you have done has been mentioned in this file, all this thing has been mentioned in this, it's real। और शैतान इस प्रकार कहने लगा, जो कुछ यहाँ पर बताया गया वो सच्चाई के साथ आपने उसी प्रकार किया है करके। And the man of God, and he was on the table and he saw red ink, you know, near to him, and he took the red ink and poured it on the file and said, the blood of Jesus Christ has cleansed me from all unrighteousness। और उस व्यक्ति के पास लाल रंग की स्याही थी, उसने उसको उठाया और उस फाइल के ऊपर डालकर इस प्रकार कहने लगा, यीशु मसीह ने मुझे हर एक पापों से पूर्ण तौर पर शुद्ध कर चुका है। Then he threw the file on the face of Satan। तब उस व्यक्ति ने उस फाइल को शैतान के चेहरे में फेंक दिया। And then Satan ran away from him। और शैतान उस व्यक्ति से भाग गया। Many times, my dear brothers and sisters, Satan may come and try to accuse you। मेरे प्रियो, कई बार शैतान आकर आपको दोषी ठहरा सकता है। After receiving forgiveness from the Lord, you are clean and you are perfect। आप यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद आप पवित्र और शुद्ध हैं। Whenever Satan comes and reminds you of the sin that you have committed, I warn you to resist the devil so that he will flee away from you। और जब कभी शैतान आकर इस प्रकार की बातें आपको कहता है, आपके पापों को याद दिलाता है, आप उस शैतान की सामना करें। Not only Jesus Christ is ready to forgive us, ना केवल यीशु तैयार है हमें क्षमा करने के लिए, Jesus Christ is powerful to set you from sin and bad habits। और यीशु मसीह तैयार है उस गलत व्यवहार से और उन बुराइयों से आपको दूर रखने के लिए। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, Jesus can deliver your son, परमेश्वर आपके पुत्र को छुटकारा दे सकता है। When you pray, God can deliver your husband, जब आप प्रार्थना करेंगे जरूर परमेश्वर आपके पति को छुटकारा दे। I want you to pray and I want you to seek the Lord and surely God will bring deliverance in your family। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की खोज करें, उसकी मांग करें, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में उस छुटकारा और बदलाव को ले आएगा। Surely the Lord will bless you। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। Shall we pray now? क्या हम प्रार्थना करें अभी? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful time that you have given to us। धन्यवाद देते हैं एक अच्छे समय जो तूने हमें दिया। Lord, in this time we specially pray for people, those who are going away from you, Lord। और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो तुझसे दूर हो रहे हैं। I pray in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Once again, by your grace and mercy, choose them, O God, and deliver them, O Father। और हम चाहते हैं तेरी अनुग्रह और दया के द्वारा उनको चुन ले और उनको छुटकारा दे प्रभु। In this morning, Lord, we join our hearts and we pray in faith, O God। हम विश्वास के साथ इस सुबह के समय एक मन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। Save every family member, O God। हर एक परिवार के हर एक लोगों को तू छुटकारा दे प्रभु। Lord, your word says, believe, you and your household shall be saved। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। According to thy word, O God, save whole family, Lord। और उस वचन के आधार पर प्रभु उस पूरे परिवार को उद्धार दे। As a whole family, let them go to church and worship you। और पूरे परिवार के साथ होने पाए कि वो कलीसिया में जाकर तेरी आराधना करने पाए। As a whole family, let them meet you in heaven, O God।
और एक परिवार के साथ होने पाए कि वो स्वर्ग में उस प्रकार मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर एंसरिंग आवर प्रेयर्स। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जीसस नेम आई प्रे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। 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 गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।